दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर अब चुनाव प्रचार थम गया है और अब बारी है लोकतंत्र को बचाने की, यानी कि आपके वोट की, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और उसके लिए 4 दिसंबर को आपको अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना है। इसके लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पे चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस वक्त हम जीडीयू मार्ग के सर्वोदय बाल विद्यालय में मौजूद हैं, जिसे बनाया गया है पिंक पोलिंग बूथ। दिल्ली में लगभग 68 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 68 ही पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि मॉडल पोलिंग बूथ का मतलब ये है कि एक ऐसा आदर्श पोलिंग बूथ जहाँ पे तमाम जो ज़रूरतों का सामान है वो मौजूद रहेगा। जब आप उस पोलिंग बूथ पे पहुँचेंगे अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने, तो आपको हर तरह की सुविधा वहाँ मुहैया होगी। और ये बनाया गया है पिंक पोलिंग बूथ, आप देख सकते हैं पिंक कलर से जो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। आपको अंदर भी लेके चलते हैं जहाँ पे सेंटर्स बनाए जाएंगे, ईवीएम मशीन्स रखी जाएंगी। ये देखिए, ये पूरी तरीके से पिंक कलर से इसको सजाया गया है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अधिकतर जो महिलाएं हैं, जो स्टाफ है वो महिलाओं का रहेगा। साथ ही साथ इस इलाके की जो वोटर्स की संख्या है उसमें महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें पिंक पोलिंग बूथ का नाम दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, कल वोटिंग डे है, बेहद अहम दिन है और उसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर रहा है कि आप बड़ी संख्या में मतदान करें, क्योंकि अगर पिछले कई सालों की तुलना देखी जाए तो एमसीडी के इलेक्शंस में लोग बहुत असहज रहते हैं और उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इस बार आपको अपने मतदान का इस्तेमाल करना है, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 1.5 करोड़ जनता दिल्ली की एमसीडी के चुनावों में वोट देगी, जिसमें से लगभग 80 लाख महिलाएं हैं और उसके बाद पुरुष और ट्रांसजेंडर की भी काफ़ी बड़ी संख्या है। सबसे बड़ा काम आपको और हमें करना है, क्योंकि हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब काम हमारा और आपका शुरू होता है, जहां पे हमें 4 दिसंबर को अपने घरों से बाहर निकलना है और ये तय करना है कि आखिर दिल्ली का मेयर कौन बनेगा। कैमरामैन अभिनाथ के साथ दिव्य अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।